हेलो सीए फाइनल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, सीए फाइनल में डायरेक्ट टैक्स एक बहुत बड़ा सिलेबस है, इसका अमेंडमेंट्स आते रहते हैं और इंटरलिंकेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती है। हमारे लिए बोलना बड़ा आसान होता है कि यार आप 100% सिलेबस करके जाएं, और बच्चे कोशिश भी करते हैं 100% सिलेबस को कवर करने की। इस वाले वीडियो में हम आपके साथ एक थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस करते हैं डियर डायरेक्ट टैक्स का, पास्ट 6 अटेम्प्ट्स का, इंक्लूडिंग मई 2023। सबसे पहली बात, क्या ये ट्रेंड एनालिसिस जैसा कुछ सीए के एग्जाम्स में काम आता है? डियर, जब तक आपका नया सिलेबस नहीं आता, आपका ये ट्रेंड एनालिसिस जो है ये आपके एग्जिस्टिंग सिलेबस के डीटी में यूजफुल होगा। पीजीबीपी का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जिसमें कंपनी असेसमेंट होता है, और ये 14 मार्क्स का हर अटेम्प्ट में आया है, मई 22, नवंबर 21, जुलाई 21, जैन 21। इसके पहले डियर आपको पता है कोरोना वगैरह की वजह से पेपर्स वगैरह सही प्रकार से हेल्ड नहीं हो पाए थे, इसलिए हमने आपके साथ जैन 21 तक का ही हमने आपके साथ एनालिसिस यहाँ पे लिया है। अगर आप देखते हैं डियर फ्रेंड्स, तो पीजीबीपी का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं, ये 14 मार्क्स का हर अटेम्प्ट में आता ही आता है। अगर आप देखेंगे में तो एटीआर नहीं था, नवंबर 22 में एटीआर नहीं था, मई 22 में एटीआर था, नवंबर 21 में एटीआर था, जुलाई 21 में एटीआर नहीं था, जैन 21 में एटीआर नहीं था। मतलब ये हुआ कि लास्ट 6 अटेम्प्ट में 2 अटेम्प्ट में एटीआर भी था और साथ में एडजस्टमेंट्स भी थे, बट इसके अलावा 4 अटेम्प्ट्स में सिर्फ और सिर्फ आपको इनकम कंप्यूट करनी थी एडजस्टमेंट्स के हिसाब से, और एटीआर भी नहीं था, और पिछले 6 अटेम्प्ट से डियर मैट का क्वेश्चन नहीं आया। ये सबसे बड़ी बात है कि पिछले 6 अटेम्प्ट से मैट का क्वेश्चन नहीं आया। तो अब इसमें जो बच्चे नवंबर 2023 के लिए अपियर हो रहे हैं, उनको मैट पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि पिछले 6 अटेम्प्ट में मैट नहीं आया इसलिए आगे भी मैट नहीं आएगा। आगे मैट आने की संभावना ज्यादा हो गई क्योंकि पिछले 6 अटेम्प्ट से मैट नहीं आया। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करते हैं कैप गेन और इनकम अंडर द अदर सोर्सेस, तो डियर पिछले 6 अटेम्प्ट में कैप गेन और अदर सोर्सेस का जो प्रॉपर जो क्वेश्चन है फॉर सिर्फ 2 अटेम्प्ट में आया है। एक है आपका मई 2023 जिसमें 4 मार्क्स का आया था, सेक्शन 9B और सेक्शन 45(4), और एक है आपका नवंबर 2021 कंपल्सरी एक्विजिशन एंड कैप गेन। अगर आपको मतलब कैपिटल एसेट को गवर्नमेंट अगर कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है तो उसमें कैप गेन किस तरीके से कंप्यूट होगा। चैरिटेबल ट्रस्ट, हर अटेम्प्ट में चैरिटेबल ट्रस्ट 8 मार्क्स का आता है हर अटेम्प्ट में, और पिछले 6 के 6 अटेम्प्ट में हर अटेम्प्ट में चैरिटेबल ट्रस्ट 8 मार्क्स का आया है, न कभी 6 नंबर का न कभी 9 नंबर का, मतलब हर अटेम्प्ट में 8 मार्क्स फिक्स है चैरिटेबल ट्रस्ट में। अगर आप लास्ट के कुछ अटेम्प्ट्स में देखेंगे तो मतलब 6 अटेम्प्ट में अगर आप देखेंगे तो 2 बार इसका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आया है, मीन्स एक क्वेश्चन जिसमें चैरिटेबल ट्रस्ट के बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए थे, और एक बार शायद 8 मार्क्स का एग्जिट टेक्स्ट की मतलब टैक्स की मीन्स कैलकुलेशन आई है। बाकी चैरिटेबल ट्रस्ट हमेशा पार्ट वाइज आया है, और 8 मार्क्स का हर बार आया है और ज़्यादातर पार्ट वाइज आया है, और इसमें इंश्यूट जो है वो रीसेंट जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं ट्रस्ट में उस पर थोड़ा सा इंश्यूट का फोकस ज़्यादा रहता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड और मीन्स सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, तो लास्ट के 6 अटेम्प्ट में ये सिर्फ 2 बार आया है। एक बार रिट का क्वेश्चन आया है 8 मार्क्स का, ये आया है मई 2022 में, और एक बार जुलाई 2021 में इन्वेस्टमेंट फंड का क्वेश्चन आया है 8 मार्क्स का। तो अगेन ये कोई बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो जरूर से करके जाएं, क्योंकि अगर 8 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली उसका आंसर कर सकते हैं। और ये जो दोनों बार जो मीन्स क्वेश्चंस आए हैं ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आए हैं, जो आपके मेन मेन एडजस्टमेंट्स होते हैं उन्हीं को लेके ये क्वेश्चंस हैं। आगे आते हैं डायरेक्ट टैक्स के मीन्स डायरेक्ट केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन। आपको बताया डियर, इंश्यूट ने आपके स्टडी मैट में कोई 100 के आसपास केस लॉज दिए हुए हैं, और इंश्यूट जो है वो मतलब जुडिशियल अपडेट्स की फाइल आपके साथ हर अटेम्प्ट में शेयर करता है। उन केस लॉज में से हर अटेम्प्ट में 8 मार्क्स के क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आए हैं। 3 क्वेश्चन रहते हैं 4-4 नंबर के, जिसमें से आपको कोई 2 करने रहते हैं, और आपको जो है वो केस लॉस का एप्लीकेशन करना होता है वहां पे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तो ये हर अटेम्प्ट में आया है, और दूसरा पिछले 6 अटेम्प्ट में से किसी भी अटेम्प्ट में कोई भी रिपीटेटिव केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया। मतलब ये हुआ कि जो केस लॉ है, ऐसा नहीं हुआ कि उसी केस लॉ को लेके कोई और फैक्ट्स देके इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन बना दिया, मीन्स हर बार नया केस लॉ का हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन आया। और इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी ये भी देखा गया कि इंश्यूट जो है वो सीबीडीटी सर्कुलर के बेसिस पे भी आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया करता है, बट अगर आप अपने केस लॉ को अगर आप अपने स्ट्रांग रखेंगे तो आप इजीली ये 8 मार्क्स को कवर कर सकते हैं।
आगे आते हैं टीडीएस टीसीएस। डियर फ्रेंड्स, चैरिटेबल ट्रस्ट जैसे 8 मार्क्स का आता ही आता है, टीडीएस टीसीएस भी हर अटेम्प्ट में 8 मार्क्स का आता ही आता है। मीन्स ये फिक्स है, 8 मार्क्स का टीडीएस टीसीएस आएगा। ये अलग अलग सब पार्ट्स में आता है, मीन्स कभी ये हो सकता है कि 3 पार्ट्स में हो, कभी ये 2 पार्ट्स में हो, कभी ये हो सकता है कि 4 अलग अलग पार्ट्स में भी हो, बट हर अटेम्प्ट में टीडीएस टीसीएस के क्वेश्चन आएंगे। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 8 मार्क्स में से जो 4 to 6 मार्क्स होते हैं ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, बट हम कह सकते हैं कि जो बाकी के जो हम कह सकते हैं कि मतलब क्वेश्चन होंगे वो कंपैरेटिवली ईजी होंगे और बहुत बार तो बहुत आसान। इक्वलाइजेशन लेवी और सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पर्जेंस, इक्वलाइजेशन लेवी और सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पर्जेंस डियर मे 2023 में 6 नंबर का आया था, नवंबर 22 में मतलब 3 नंबर का आया था, और नवंबर 21 में भी इक्वलाइजेशन लेवी 6 मार्क्स का आ गया था। अगर हम गार और टैक्स प्लानिंग की बात करें तो कुछ कुछ अटेम्प्ट्स में गार और टैक्स प्लानिंग भी 4 मार्क्स का आ जाता है। गार में जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल में ज़्यादातर तो उसके रिपीटेटिव पार्ट्स होते हैं, कुछ कुछ उसके नए भी पार्ट्स हो सकते हैं, कभी कभी नए नए पार्ट्स भी आए हुए। हम आपके साथ बात करना चाहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग हर अटेम्प्ट में 6 नंबर का आता ही आता है। एक बार जैन 21 में शायद ऐसा हुआ था कि ट्रांसफर प्राइसिंग 12 नंबर का आ गया था, ट्रांसफर प्राइसिंग 12 नंबर का आ गया था। और अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग को देखते हैं तो ट्रांसफर प्राइसिंग आपको जरूर से करके जाना चाहिए, और ट्रांसफर प्राइसिंग में करने के लिए डिफरेंस बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बट अगर हम पिछले 6 अटेम्प्ट को देखें तो इनशूट जो ट्रांसफर प्राइसिंग में जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो कैसा है, बेसिक टीपी विद मीन्स पेनल्टी। अगर आप में 23 को देखेंगे तो बेसिक टीपी क्वेश्चन विद पेनल्टी इम्पोजिशन ये आपसे आया था। ज्यादातर आपसे जो ट्रांसफर प्राइसिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं दैट इज ऑन ELP कंप्यूटेशन। एक बार इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट का एक प्रॉपर क्वेश्चन आया था, जो आया था आपका जुलाई 2021 में। तो जो बच्चे ट्रांसफर प्राइसिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपना ELP कंप्यूटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि डियर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप इतना कुछ पढ़ के जाएं बट आपको ट्रांसफर प्राइसिंग का जो क्वेश्चन मिले वो ELP कंप्यूटेशन का मिले। और इवन अगर आप ELP कंप्यूटेशन भी देखेंगे ना तो ज्यादातर जो आया है वो आया है कॉस्ट प्लस मेथड, CPM, और एक बार शायद TNNM भी आया। अच्छा, आगे आते हैं NR टैक्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। डियर फ्रेंड्स, हर अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट का एक मतलब ट्रेंड है कि 6 नंबर का एक NR टैक्सेशन के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन आता है। अब NR टैक्सेशन में करने को बहुत कुछ है, मीन्स इतना कुछ NR में दिया गया है कि आप उसमें क्या क्या करेंगे, बट हाँ जो बेसिक जो हम कह सकते हैं कि मतलब टैक्स रेट हैं जो कि आपको सेक्शन 115A में दिए गए हैं, ये आपको जरूर से अपने प्रिपरेशन में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो भी NR के मतलब क्वेश्चंस आए हैं वो बेसिकली इन्हीं टैक्स रेट्स को कंसिडर करते हुए आए हैं। इनमें कभी कभी आपसे रेजिडेंशियल स्टेटस भी मतलब पूछा गया, कभी कभी आपसे स्कोप ऑफ इनकम के बेसिस पे भी आपको एडजस्टमेंट करने के लिए कहा गया। तो आपको ये मतलब देख के चलना चाहिए कि NR टैक्सेशन भी हर अटेम्प्ट में 6 नंबर का आएगा ही आएगा। DT रिलीफ, अगेन आपको पता है हर अटेम्प्ट में DT रिलीफ 6 मार्क्स का आएगा ही आएगा, और ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो DT रिलीफ सेक्शन 91 रिलीफ को कवर कर, बट इंस्टीट्यूट को जैसे पेपर थोड़ा सा मतलब ट्रिकी बनाना होता है ये 90 और 91 दोनों को दे देते हैं, और इस बार में 2023 में तो इन्होंने रिलीफ भी दे दिया और साथ में रेजिडेंस और स्कोप को भी इंक्लूड कर दिया। मिड 2023 का डीटी रिलीफ का जो मतलब क्वेश्चन आया था डेट वाज वेरी न्यू क्वेश्चन, मीन्स इस तरह का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने जनरली कवर नहीं किया, और नवंबर 22 का भी जो मतलब क्वेश्चन आया था डेट वाज कंपैरेटिवली अ न्यू क्वेश्चन। अच्छा, अगर हम अदर एंटिटीज की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो अदर एंटिटीज में अगर आप देखें तो LLP के क्वेश्चन आ जाते हैं, LLP और सेक्शन 10AA एडजस्टमेंट। तो ये 2 बार ऐसा हुआ है कि इंस्टीट्यूट ने LLP और सेक्शन 10AA का एडजस्टमेंट दे दिया, जिसमें 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। कॉपरेटिव सोसाइटी सिर्फ 1 बार आया है इन 6 अटेम्प्ट्स में, जो कि 6 नंबर का है, जो कि आपके जैन 2021 में आया है। और इंडिविजुअल असेसमेंट 2 बार आ गया है इस बार, तो हमें मतलब 23 के अटेम्प्ट में इंडिविजुअल असेसमेंट विद VDA आ गया 4 मार्क्स का, और जुलाई 2021 में इंडिविजुअल असेसमेंट विद फॉरेन टैक्स क्रेडिट आ गया था 6 मार्क्स का। और आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन जो आपका डील करता है असेसमेंट से, पेनल्टी से, मिसलेनियस से, लाइबिलिटी से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर आप देखेंगे डियर तो पिछले 5 अटेम्प्ट में ये 4 नंबर का आया, जिसको आप सारे के सारे बच्चे कैटेगरी सी टॉपिक्स में क्लासिफाई करके जाते हैं, कैटेगरी सी टॉपिक। बट हाँ, जैन 2021 में यही जो क्वेश्चंस थे ये 12 नंबर के आए।